नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी की सबसे ज़्यादा भर्ती जो कांस्टेबल वाली है आपके, इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बच्चों के यही आ रहे हैं कि सर क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 2018-19 के बाद से कोई भी भर्ती हमें देखने को नहीं मिली है कांस्टेबल में। तो जैसे आपके एसएससी जीडी में रिलैक्सेशन दिया गया था एज का, और अभी रिसेंट में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आपके कांस्टेबल जीडी की भर्ती आई है, जो जीडी के तर्ज पे उसे कांस्टेबल भी बोला जाएगा, ग्राउंड ड्यूटी वाला, तो उसमें आपको देखा गया है कि कोविड के कारण, खासकर उसके एप्लीकेशन में लिखा गया है कि कोविड के कारण 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिला है। तो क्या यूपी में भी ये जो इतने बड़ी भर्ती 52,000 प्लस पदों पर भर्ती आ रही है, एक तरह से देखा जाए तो यूपी के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती कांस्टेबल की है, तो इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और मिलेगा भी तो कितना मिलेगा? इसी एज रिलैक्सेशन को लेकर काफी बच्चों के मन में डाउट है कि जो यूपी पीआरपीबी बोर्ड है वो एज रिलैक्सेशन देगा कि नहीं। इसी सिलसिले में कल 10 बजे से आपका एक ट्यूटर अभियान है, बच्चों ने शुरू किया है, तो उसे आप लोग ट्विटर पर 10 बजे से आप लोग कर लीजिएगा। हैशटैग जो है आपका वो यूपी कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन है, यही आपको टैग डालना है बच्चों का। और इस पर कई जो है एक तरह से बोला जाए यूट्यूब वालों ने वीडियो बनाए हैं, तो हमने भी आप लोगों का कहना यही था कि सर एक बार बना बता दीजिए आप भी, तो मैं भी बता दे रहा हूं कि सभी लोग एक बार ट्यूटर करते हो तो हो सकता है कि जब एप्लीकेशन निकलेगा तो कंसीडर किया जाए आप लोगों के एज रिलैक्सेशन की जो बात है। वैसे भी गवर्नमेंट को ये कंसीडर करना चाहिए एज रिलैक्सेशन, जब सेंट्रल में हो गया, अदर स्टेट की जो भर्तियां आ रही हैं खासकर सिपाही की, उसमें अगर कंसीडर किया जा रहा है तो कोविड के बाद कोई भर्ती नहीं आई है कांस्टेबल में, तो इन्हें भी कंसीडर करना चाहिए। और एज रिलैक्सेशन कितना मिलना चाहिए, तो अगर जैसा देखा जाए कि सेंट्रल में और स्टेटों में कोविड के कारण 3 साल का मिल रहा है, कितने का मिल रहा है, 3 साल का मिल रहा है, तो 3 साल का ये तो मैक्सिमम 3 साल का मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता है, ये जान के रखिए। अगर सभी के तर्ज पर चलेगा, अगर रियलाइज करेगा यूपी पीआरपी भी सभी को, तो कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम 3 साल की छूट दे सकता है। बाकी अगर हम देखा जाए तो 1 साल की एक कांस्टेबल जो पिछली बार लगातार भर्ती आई थी, एक कांस्टेबल में उसने 1 साल का रिलैक्सेशन दिया था, ठीक है। बाकी अब उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या करता है, मैक्सिमम टाइम तो जानते ही हो यूपी पीआरपी भी मनमानी ही करता है, तो हो सकता है इस बार कुछ नया हो जाए आप लोगों के लिए, मिल जाए छूट एज रिलैक्सेशन। इसीलिए कल ट्विटर अभियान में सभी लोग शामिल हो, जिन्हें नहीं कांस्टेबल देना वो भी कम से कम अपने छोटे भाइयों के लिए ही ट्वीट करें, एक आईडी से कम से कम 5-5, 6-6 ट्वीट करिए, ताकि ये बातें जो हैं संज्ञान में आ सके यूपी पीआरपीबी बोर्ड के, और कहीं ना कहीं आपके जब नोटिफिकेशन निकले तो एज रिलैक्सेशन आपको मिल सके। तो इतना मान के चलिए अगर नहीं मिलता है तब क्या स्थिति होगी, तो नहीं मिलता है तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एकजुट होकर ट्विटर अभियान या भर्ती बोर्ड पर आना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा, आप अपनी समस्याओं को रखोगे। तो ऐसा नहीं है कि भर्ती बोर्ड नहीं सुनेगा, इससे पहले हमने कई कार्य किए हैं यूपी एएसआई की भर्तियों में, तो उन्होंने सुना है और उसका जवाब भी दिया है। तो हो सकता है कि जब ऐसे बच्चे ज्यादा होंगे जो वंचित रह जाएंगे कहीं ना कहीं, तो उनके लिए यूपी पीआरपीबी बोर्ड जो है कुछ कदम जरूर उठाएगा, अगर ऐसा नहीं निकलता है एज रिलैक्सेशन में। तो अभी शुरुआत है, अभी जो भी करना है मिलजुल के जितना भी हो सके, ट्विटर से हो सके, ईमेल से हो सके, ये सब आप प्रश्न जो है आयोग तक पहुंचाते रहिए अपने प्रश्न, आरटीआई के थ्रू आप जवाब मांग सकते हैं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सब चीजें अभी बैकग्राउंड में आप करते रहिए। बाकी वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने के बाद जो भी उचित होगा वो हम जरूर आपको मार्गदर्शन देंगे। चलिए, बाकी दिक्कत जो भी होगा, समस्या जो भी होगा, आपके जो प्रश्न होंगे वो आप सभी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जाने से पहले यूपीपी कांस्टेबल के परीक्षा प्लस बैच आपका स्टार्ट कर दिया है, इस बैच की जो क्लासेस हैं वो 1 तारीख से स्टार्ट होंगी, और इससे रिलेटेड जो है आपकी क्लासेस जो है कल से मंडे से आपको शाम को 7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको पूरी रणनीति बताई जाएगी और
जो ऐप की क्लासेस हैं, अभी यूट्यूब की जो क्लासेस है वो मंडे से स्टार्ट होंगी, और जो ऐप की क्लासेस हैं वो 1 जुलाई से आपका पूरा बेहतरीन तरीके से आपका नोट्स, क्लास और उसमें स्ट्रेटेजी वो अलग चलेगा, और यूट्यूब की क्लासेस आपकी अलग चलेंगी, उसमें भी क्लासेस के साथ साथ आपको रणनीति बताई जाएंगी। तो यूट्यूब की क्लासेस आपकी मंडे से स्टार्ट हो रही हैं, तो जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कांस्टेबल का है, कहीं ना कहीं आपके सिलेबस ऑलमोस्ट वही घूमता रहता है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी आपको वही देखने को मिलेगा। बिहार में बात करें तो बिहार में भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस तो आपका ही है, तो ये सब चीजें तो आपको सेम जगह हर जगह हर एग्जाम में देखने को मिलता है, तो ये चीजें आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो 1 तारीख से हमारे साथ शाम को 7 बजे आप यूट्यूब चैनल पर कनेक्ट हो सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों तक शेयर करिए, जिन्हें भी इस बार वर्दी लेना है, चाहे किसी भी प्रांत में लें, चाहे बिहार में लें, यूपी में लें या मध्य प्रदेश में लें। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।